डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सूरज को मैं 15 साल से जानती हूँ। वो बिट्रे नहीं करेंगे। वो आदमी परसों मरा, उसे मैं 40 साल से जानता था। साल तो डजंट सीम टू वर्क फॉर मी दिव्या। कैपिटल एन कैपिटल ओ, दैट मींस नो। इतना समझता है तो तू क्यों बार बार आता है? 4 महीने। हर कहानी में दो किरदार होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव रोल ही जरूरी नहीं है कि सारी लाइमलाइट छीने। कभी कभी तालियां बुरे किरदार के लिए भी बराबर बजती है। आज की कहानी किसी देशभक्त की नहीं बल्कि एक एजेंट की है, एक ISI एजेंट की। इस्लामाबाद की एक लड़की जो पाकिस्तानी एजेंसी ISI के लिए काम करती है, उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे लड़कों को अपने जाल में फंसाना है और खास करके इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को। लेकिन एक दिन उसका पर्दाफाश हो गया जब एक हिंदुस्तानी सैनिक जानकारी इधर से उधर करता हुआ पकड़ा गया। इस सैनिक का नाम है प्रदीप। आर्मी में गनर प्रदीप राजस्थान में पोस्टेड थे और शक ना हो इसीलिए प्रदीप को टारगेट बनाने से पहले रिया ने राजस्थानी भाषा को अच्छे से सीख लिया था। राजस्थानी भाषा में बात करते करते उसने प्रदीप को अपनापन फील करा दिया। ये इंस्टाग्राम पर इन्हीं फेक नाम का इस्तेमाल करके प्रोफाइल बनाती और उन पर अपनी अदाएं दिखाया करती थी। साथ ही रिया ने अपने आसपास भगवान की पूजा करने का भी ढोंग किया और ऐसे ही उसने वीडियोस भी अपलोड की जिससे लोगों को लगे कि वो एक हिंदू है। हिंदुस्तानी सभ्यता को भी अच्छे से जाना उसने, जिससे वो इन सबको अपनी बातों में इस्तेमाल कर सके। बचपन से पाकिस्तान में रहने वाली रिया उर्दू की नजाकत भूलकर राजस्थान की खड़ी बोली बोलने लगी थी। अब तक प्रदीप उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुका था क्योंकि रिया ने प्रदीप को शादी तक के वादे कर दिए थे। अब रिया को अगले कदम की ओर बढ़ना था। उसने प्रदीप को वीडियो कॉल्स करना चालू कर दिया। पहले तो प्रदीप रिया को छोटी मोटी बातें वैसे ही बता देता था, लेकिन वीडियो कॉल्स के बाद से रिया ने प्रदीप को ब्लैकमेल करना भी चालू कर दिया था। प्रदीप ने पहले तो निडर होकर साफ मना कर दिया, लेकिन फिर वो करता भी क्या, उसको झुकना पड़ा। आखिर उसको अपनी इज्जत जो बचानी थी। प्रदीप ने मिशन टेस्टिंग की कुछ बहुत सी खुफिया वीडियोस उसे बनाकर भेज दी। इतने में ही उसका मन नहीं भरा और उसने काम के बाद और बकरे ढूंढने चालू कर दिए। दरअसल उसके पास कुछ आसान टारगेट्स और भी थे, क्योंकि जब प्रदीप रिया से बात करता था तब उसने अपने और 7 जवान दोस्तों से रिया की अच्छी बातचीत करवा दी थी। रिया ने उन्हीं को अपना अगला शिकार सोचा हुआ था। रिया अब तक 10 सोल्जर्स को अपने स्ट्रैप में फंसा चुकी है और पकड़ी भी नहीं गई है। वो खुद को एक गवर्नमेंट नर्स बताती है जो कि डिफेंस में ही काम करती है। साथ ही वो उन्हीं ऑफिसर्स के नीचे काम करती है जो पाकिस्तानी आर्मी में अच्छी पोस्ट पर होते हैं। बता दें दोस्तों कि पठान की कहानी भी कुछ ऐसी ही हो सकती है। अब देखते हैं कि पठान की मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और अनोखा लेकर आते हैं। अब इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को।